शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति कामशांति शांति क्रोधशांति शांति ब्रह्मशांति शांति सर्वशांति शांति शांतिरेव शांति सामशांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 ज्ञान के अकाट्य सूत्र से आज मैं तुम्हें स्वयं से जोड़ रहा हूँ चंद्रगुप्त। आज से मेरे ज्ञान व अनुभव से तुम पल्लवित होगे। आज तुम्हारे हाथों में दंड थमा रहा हूँ। इसी दंड से तुम्हें शास्त्रों व जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। मैं अपने व्रत व कर्तव्य में बाप के लिए वचनबद्ध हूँ आचार्य। तो उठो चंद्रगुप्त, उत्थिष्ठ भारत। सौदामिनी, यदि तुम्हें मेरा व्यवहार अनुचित लगता है तो तुम वापस पिपलीवान जा सकती हो। यदि तुम्हारे भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरे कंधों पर है तो मेरे कार्य में हाथ बटाना तुम्हारा कर्तव्य भी तो है। तुम्हारे पुत्र को मैं किसी पाप में सहभागी होने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं वो निरंतर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज भी गाय बकरियां चराने गया नहीं वो। एक बात मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां नहीं रह सकता। घर आते ही उसे शीघ्र बता देना कि उसके आचरण में अगर परिवर्तन नहीं आया तो उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं होगा। रह गई ना, मैं तेरा सम्राट, तेरा चंद्रगुप्त। माँ, मुझे इस रूप में देखकर तुझे आश्चर्य नहीं हुआ? बोले माँ, मैं तेरे चितकबरी बकरियों के नन्हे मेमने देखे, ये कैसे मिमियाते हैं। तू आज बकरियां चराने गया था, निकल यहाँ से। आज से इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, निकल। माँ, मर चुकी है तेरी माँ, जा यहां से। आज से तू मुक्त है, जा, जहां तेरा मन चाहे वहां जा। आज से इस घर से तेरा कोई संबंध नहीं है, जा यहां से। प्रथम भिक्षाटन में ही तुझे इतना स्नेह मिलेगा यह तो मैं नहीं जानता था। मां,
स्नेह व्यक्त करने के तेरे इस भाव तेरे इस रूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कर। कौन है आप? एक अकिंचन भिक्षुक। क्या आपने? हाँ, मैंने ही तेरे पुत्र का उपनयन संस्कार किया है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरा स्वार्थ। क्या चाहते हैं आप? चंद्रगुप्त। अर्थात? मैं इसे ले जाने आया हूँ। चंद्रगुप्त भीतर जा। मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ। इसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। और मैं इसका आचार्य। मैं इसे अपने गर्भ में धारण कर चुका हूँ। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र का विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे इस समाज और राष्ट्र का विचार करना है। इसलिए मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौण है। पर मेरे पुत्र का आपके स्वार्थ से क्या संबंध? संबंध है। मैं तेरे पुत्र के भीतर व्याप्त सुप्त चेतनाओं को जागृत करना चाहता हूं, और वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। तू भी तो उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहती होगी, इसलिए व्यर्थ भयों से भयभीत हो उसका भविष्य नष्ट मत कर। अपने स्नेह, अपने ममत्व, अपने स्वार्थ के लिए उसके भावी का विनाश मत कर। मैं जानता हूं कि अक्षर ज्ञान तो वह यहां भी पा सकता है, पर अक्षय ज्ञान का स्रोत तो मनुष्यों की भूमि तक्षशिला ही है। मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेम का वचन देता हूं कि जब तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। विचार कर। मेरा भविष्य बता दे माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मात्र इतना बता दे कि क्या तूने मुझे अज्ञान के अंधेरों में ही जीने के लिए जन्म दिया है? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बता दे माँ। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। मेरे हाथों मौर्य कुल का गौरव कैसे बढ़ेगा? बस इतना बता दे, मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। तक्षशिला जाएगा चंद्रगुप्त, तक्षशिला जाएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये कौन सा खेल कर रहा है? अरे पाखंडी, इतना ध्यान गाय और बकरियां चराने में लगा था तो तेरा कल्याण भी हो जाता। चल उठ, छोड़ दे पाखंड, गांव और राजशाला को साफ कर जा। तत्पश्चात गाय चराने जा। और सुन ले, आज के बाद मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। मातुल, आज से मैं गाय बकरियां चराने नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है मातुल कि मैं गाय बकरियां चराने से घृणा करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ, पर मेरा मन कहीं और रमा है। मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता। तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा? मातुल, मैं तुम्हारी अवहेला नहीं करना चाहता। इस बार नियति ने एक मार्ग दिखाया है मुझे,
यदि इस बार मैं मार्ग से भटक गया, यदि इस बार मैं धैर्य से विचलित हो गया, तो भविष्य में मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है। उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया, उसे जाने दो। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? किस मार्ग को चुना है चंद्रगुप्त ने? तक्षशिला जा रहा हूँ। क्यों? शिक्षा ग्रहण करने। मेरे आचार्य तक्षशिला निवासी है, उन्होंने ही मेरा उपनयन संस्कार किया है। किस पागल ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया है? अपने भाग्य को झुटलाने का प्रयास मत कर, गाय बकरिया चराने में ही तेरा जीवन बीतेगा चंद्रगुप्त। अर्थात तक्षशिला जाने की मूर्खता छोड़ दे और गाय बकरिया चलाने जा। मेरा निश्चय अटल है मातुल। तुमने इसे आज्ञा दे दी है? मैं इसका जीवन अभिशप्त नहीं देखना चाहती। तो क्या मैं अभिशाप हूँ चंद्रगुप्त के जीवन पर? तुम्हारे इस मौन का क्या अर्थ है सौदामिनी? मेरी विवशता है उसके लिए अभिशाप है भैया। कैसी कैसी विवशता है? क्या तुम्हें और चंद्रगुप्त को इस घर में अन्न और वस्त्र नहीं मिलता? क्या यहाँ तुम सुखी नहीं हो? क्या चंद्रगुप्त के भांति तुम भी सपने देख रही हो? सत्य को समझने का प्रयास करो सौदामिनी। न जाने वो कौन ब्राह्मण है जो इसे तक्षशिला ले जा रहा है। चंद्रगुप्त यहाँ पे गाय बकरियां चराता है, वहां चंद्रगुप्त को दास बनाकर रख दिया तो न जाने क्या स्वार्थ है उस ब्राह्मण का। मातुल, वो ऐसा नहीं है भैया। तो तुम भी इससे मिल चुकी हो, ठीक है? अगर ये तक्षशिला जाना चाहता है तो जाए, पर इसके पालन पोषण पर मैंने जो आज तक खर्च किया है वो उस ब्राह्मण को चुकाने को कहो। फिर ये जहां जाना चाहता है जाए, और कान खोल कर सुन लेना, 500 काशापणों से एक काशापण भी कम न लूंगा मैं। रक्त के संबंधों को भी बेचा जा सकता है भैया। स्वार्थ सारे संबंधों को तोड़ता है। ये अपने स्वार्थ के लिए तक्षशिला जाना चाहता है तो मैं मेरा स्वार्थ क्यों न सिद्ध करूं? पर आचार्य इतने काशापण कहाँ से लाएंगे? एक दास इससे कम मूल्य में भी तो नहीं मिलता। चंद्रगुप्त, स्वागत है आचार्य। चंद्रगुप्त के मातुल है ना आप? सौभाग्यशाली आप, जो निधि आज तक आपके हाथों में थी। मैं जान सकता हूँ कौन है आप? तक्षशिला के गुरुकुल का एक आचार्य। आप इसे तक्षशिला क्यों ले जाना चाहते हैं? सब कुछ आज ही जान लेना चाहोगे? कुछ भविष्य के लिए, कुछ समय के लिए भी तो छोड़ दो। समय तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा मातुल। समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य। आप इसे तक्षशिला ले जाना चाहते हैं ले जाइए, पर 500 कार्शापणों से एक कार्शापण कम न लूंगा मैं। 5,000 कार्शापण? साफ सुन गया, तक्षशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेंगे नहीं। क्यों, दे सकोगे इसका मूल्य? इसका मूल्य तो पूरा मगध भी नहीं आ सकता, पर तुम्हें तुम्हारा मूल्य मिल जाएगा। निश्चिंत रहो, तुम्हें तुम्हारा मूल्य चुकाए बिना मैं पाटलिपुत्र से प्रस्थान नहीं करूंगा। Thank you.
मैं निर्दोष हूँ आचार्य। मुझे तक्षशिला ले जाएंगे ना? मैं तुम्हें भाग्य के हाथों छोड़कर जाने वाला नहीं चंद्रगुप्त, मेरा निश्चय अटल है। पर 5000 काशापन कहाँ से आएंगे आचार्य? 5000 काशापनों के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ चंद्रगुप्त। चिंतित इसलिए हूँ कि जिस ज्ञान की मैं वर्षों से उपासना करते आया हूँ आज उसका मूल्य आंका जाएगा। पर यदि नियति ने मुझे स्वरूप में चुनौती दी है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह लो चंद्रगुप्त, जहाँ ज्ञान की उपासना होती है वहाँ तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। इस पुस्तक में क्या लिखा है आचार्य? अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के दुर्लभ सूत्रों का संकलन करना मेरे कुल की परंपरा रही है चंद्रगुप्त। मेरे पिता ने भी उस परंपरा का निर्वाह किया था और विरासत में दुर्लभ था वे मेरे हाथों सौंप गए थे। किसी भी राजनीतिज्ञ अथवा पाटलिपुत्र में अर्थशास्त्र की शिक्षा देने वाले किसी भी गुरुकुल में तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। आप मेरे लिए अपने कुल की परंपरा तोड़ देंगे आचार्य? जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं पुरानी परंपराएं उन्हें स्वयं मार्ग दे देती है चंद्रगुप्त। और परंपरा ही तो आज मेरा आधार है, मेरा साधन है जो मुझे मार्ग दिखा रही है। क्या 5000 कार्यपन प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है? मैं अपने कुल की परंपरा का विस्तार ही कर रहा हूँ चंद्रगुप्त। आज उस परंपरा से एक और व्यक्ति जुड़ेगा। मैं ज्ञान की अभिवृद्धि ही कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ। अतः निश्चिंत मन से जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा है। जगच्च मे धनंच मे विश्वंच मे महाश्च मे विश्वंच
चमे महाश्चमे क्रीडा चमे मोदाश्चमे क्रीडा चमे मोदाश्चमे क्रीडा चमे मोदाश्चमे जातं चमे जनिष्यमानं चमे जातं चमे जनिष्यमानं चमे जातं चमे जनिष्यमानं चमे सुक्तं चमे सुकृतं चमे सुक्तं चमे सुकृतं चमे सुक्तं चमे सुकृतं चमे यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितं भुजंगतुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमुन्निनादमड्डमर्वयं चकार चन्दतांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलाललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु राजपुरा दृगंत संतति प्रमोद मान मान प्रणाम आचार्य आयुष्यमान भव मैं आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया हूँ आचार्य तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा वत्स निर्भय होकर जो पूछना चाहते हो पूछो पाटलिपुत्र के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ व अर्थशास्त्र के आचार्यों का नाम जानना चाहता हूँ मगध के राज परिवार में अमात्य राक्षस मंत्रीवर वररुचि व अर्थशास्त्र के आचार्यों में आचार्य चाणक्य के शिष्य आचार्य अजय विचारों का सम्मान करता हूँ अमात्य राक्षस पर राजपुत्रों को मैं शिक्षा नहीं देता आचार्य मैं चाहता था कि मगध के भावी शासक कुमार सुमाल्या को आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो मैं विवश हूँ अमात्य पर यदि मगध के भविष्य पर कभी कोई आपत्ति आई तो मैं अपने विचारों को शासन के समक्ष रखने के लिए तत्पर रहूंगा पर राजपुत्रों को शिक्षा देने में आपको क्या आपत्ति है आचार्य मेरी कुछ पीड़ाएं हैं कुछ कटु अनुभव जिन्हें मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता अमात्य राक्षस आचार्य से पुनः प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हूंगा प्रणाम आचार्य मेरी आवश्यकता मुझे आपके द्वार तक ले आई है आचार्य क्या आप उसका मूल्य दे पाएंगे पुस्तक का मूल्य तुम्हें कोई नहीं दे सकता मैं भी नहीं पर मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने भी नहीं दूंगा संभवतः मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं क्या आवश्यकता है तुम्हारी आचार्य स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं यदि मैंने इसके मूल्यांकन का दुस्साहस किया तो मेरा अपराध होगा छात्र प्रस्ताव तुमने रखा है मूल्यांकन भी तुम ही करोगे मेरा मूल्य 5000 का शपण है आचार्य मात्र 5000 का शपण हाँ, मात्र 5000 का शपथ क्या नाम है तुम्हारा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पुस्तक दी है वो कहाँ ठहरा है यह बताने में मैं समर्थ हूँ आचार्य मूल्य चाहो तो बढ़ा सकते हो
पर मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। यह संभव नहीं आचार्य। वो व्यक्ति मेरा अपराधी है छात्र। आचार्य, मेरे आचार्य अपराधी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें 5,000 का क्षमापण नहीं चाहिए? आप चाहे तो मुझे पुस्तक लौटा सकते हैं। मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राजकीय कारागार में होंगे। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र। आचार्य, यदि तुम्हें अपने आचार्य पर इतना ही विश्वास है तो बता क्यों नहीं देते कि वो व्यक्ति कहाँ ठहरा है? तो सुनो, मेरे आचार्य पाटलिपुत्र के पूर्व कंदागार में ठहरे हैं। लाइए मेरी पुस्तक लाइए। 5,000 का शापण ले जाओ चंद्रगुप्त, पर निश्चित जानो कि कुछ ही क्षणों के पश्चात वो अपराधी बंधन में होगा। निकालो इस चोर को अभी इसी समय पाटलिपुत्र से। मैं चोर नहीं हूं। बताओ कहां है तुम्हारी अभिज्ञान मुद्रा? पाटलिपुत्र में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मेरा विश्वास करिए, मैं चोर नहीं हूं। पहले निकलो यहां से, अभी कंटक शोधन अधिकारियों के हाथ तुम्हें सौंपता हूं। वे ही निर्णय करेंगे कि तुम कौन हो। मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं हो तो पाटलिपुत्र में चोरों की तरह छिपकर क्या कर रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं चोर हूं? प्रमाण? चोर नहीं तो यह क्या है? बोलो, यह पुस्तक तुमने कहां से चुराई? यह पुस्तक तुम्हारे पास कहां से आई? यह पुस्तक मेरे मित्र विष्णु की है, तुम्हारे पास कहां से आई? चुराना नहीं, मैं इस पुस्तक को ले जाऊंगा विष्णु, और तुम्हें इस पुस्तक से हाथ धोना पड़ेगा। अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। ये लो, पर तुम भी ध्यान से सुन लो विष्णु, मैं इस पुस्तक को छल अथवा बल से तुम्हारे हाथों से हथिया ले जाऊंगा। कार्तिकी, अजय कहाँ है? चोर कहीं के? पाटलिपुत्र से एक दिन चोरों की तरह भाग गया था, आज वापस चोरों की तरह भाग जाना चाहता था। अरे विष्णु, तेरी माँ की कोख से जन्म तो नहीं लिया था, पर पला तो उसी माँ की गोद में था। तेरी माँ को तेरी बराबरी पर कंधा देने वाला मैं ही था। उस दिन माँ की चिता को आग दे तूने पुत्र का कर्तव्य निभाया था, पर पुत्र होने के अधिकार को मैंने भी नहीं छोड़ा था। अर्थी उठाते उठाते कंधे छिल गए थे, गहरी चोट लगी थी कंधे पर हृदय को पीड़ा तो तब हुई थी जब पुकारता रहा मैं पाटलिपुत्र की वीथियों में विष्णु। मेरी पुकार को ना सुन सकने वाला विष्णु चोरों की तरह बिना मुझसे मिले ही पाटलिपुत्र से भाग गया था। अजय, चोर नहीं तो क्या है तू? मैं तेरा अपराधी हूं अजय, मैं तेरा विष्णु हूं। कुल की परंपरा को बेच देने निकला था, वो भी मात्र 5,000 कारशापणों के लिए। ज्ञान यदि यूं ही बिकता होता तो लोग पुस्तक को माथे से नहीं लगाते, वो लोगों की ठोकरों में होती। मैंने तुझसे एक बार तो तेरी पुस्तक हथिया ली, मेरा प्रण पूरा हुआ, पर अब इसे पुनः मत बेचना। इस पर यदि तेरा अधिकार बना रहा तो जीवन में तुझे कभी कारशापणों का अभाव नहीं होगा। मैं तेरे लिए मर चुका हूं, इतना भी योग्य नहीं समझा था मुझे कि थोड़ा सा शोक थोड़ी सी पीड़ा मेरे हिस्से में छोड़ जाता। अब घर चलेगा या नहीं? वह कौन है विष्णु? चंद्रगुप्त। मागध है? आज मागध है, कल समूचे राष्ट्र का होगा। आगा छ चंद्रगुप्त।
पाटलिपुत्र की याद आती थी। जो कुछ सुखद था वह याद आता था, और जो कुछ दुखद था वह पाटलिपुत्र आकर शक्टार से मिले तुम। क्यों? अपने अतीत की सारी स्मृतियों को भूल जाना चाहता हूं कार्तिके। वे वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं विष्णु। जानता हूं, पर स्वयं से डरता हूं अजय। पिता की चिता को मैंने अग्नि नहीं दी, पिता आज भी मेरे भीतर जीवित हैं। ऐसा लगता है कि मन के आंगन में मां आज भी पिता की बाट जो रही है। मन के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जो विस्फोटक है। डरता हूं कि कहीं उसे एक हल्की चिंगारी का स्पर्श भी मिला तो। मगध किसी विस्फोट की ही प्रतीक्षा कर रहा है विष्णु। आचार्य चणक की मृत्यु को लोग ही भूले हैं। मैं कल ही तक्षशिला लौट रहा हूं। कि हमारे साथ कुछ भी नहीं बांटोगे विष्णु? अपने दुख, अपने शोक, अपना हर्ष, अपनी व्यथा? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं विष्णु कि हम तुम्हें रोक सकें? मेरे जीवन पर भी तुम्हारा अधिकार है। पर अब तो तुम बोलोगे नहीं कार्तिकेय। जहां चुप रहना होता है जय, वहां यह चुनौतियां देकर आता है। धनानंद के सामने तो चुप नहीं बैठे थे तुम। जाऊं? चलो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो नर्क जाऊंगा, और वहां यम बड़ी पीड़ा देते हैं। वे तुझसे तो कठोर नहीं होंगे। चलो। तुम दोनों जाओ। नर कभी तक आया नहीं है विष्णु, और तेरे भाग्य में वो आएगा भी नहीं। चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला ले जा रहे हो? आज मगध ने मेरे कंधों पर थोड़ी और जिम्मेदारी सौंप दी है, उसका भी निर्वाह करूंगा मैं। जाओ अजय। मैंने तुम दोनों को जाने को कहा है, जाओ। थी चंद्रगुप्त, हो सके तो मुझे क्षमा करना। माँ, मातुल के अपराध के लिए मैं तुझे दोषी नहीं समझता। जा, तेरे आचार्य तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने कुल का गौरव बढ़ाना चंद्रगुप्त। मातुल, मैं जा रहा हूँ। Thank you.
मैं पाटलिपुत्र आया था, इसकी सूचना तुम किसी को नहीं दोगे और ना ही किसी को बताओगे कि मैं तक्षशिला में हूँ। वचन दो। यदि मैं तुम्हारी बात को अस्वीकार करूँ तो? अरे विष्णु, मैं वचन देता हूँ विष्णु, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे विष्णु। आन्वक्षकी त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति वित्याह। आन्वक्षकी त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति वित्याह। आन्वक्षकी त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति वित्याह। आन्वक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं हैं। त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नितिश्चेति मानवाः। त्रयी विशेषो यान्वक्षकी इति। त्रयी विशेषो यान्वक्षकी इति। त्रयी विशेषो यान्वक्षकी। मनु संप्रदाय के अनुयायी त्रयी वार्ता और दंडनीति इन तीनों को विद्या मानते हैं। उनके मतानुसार आन्वक्षकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः। क्रिया हि द्रव्यं विनयति न द्रव्यं।
प्रिया ही द्रव्यम विनयति न द्रव्यम, प्रिया ही द्रव्यम विनयति न द्रव्यम। विनय दो प्रकार का होता है, कृत्रिम एवं स्वाभाविक। शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी धारयन्ति। सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी धारयन्ति। सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी धारयन्ति। सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं।